وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بياري بهايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नबी करीम सलम के एक बड़े मशहूर सहाबी हैं अम रुबन अस रज़ी ये बड़े पाए के सहबी हैं सनसात हिजरी में ये मुसलमान हुए और नबी करीम सल्लाम पास तशरीफ़ ले आए जब वो मुसलमान हुए तो नबी करीम सल वम को उनके इस्लाम पर बड़ी ख़ुशी हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था व इब्न अल आस असलमास हदीस सोन त्रविदी वगैरह में मरवी है कि लोग मुसलमान हुए अलबत्त अम रबन आस ममिन होकर के आए हैं ये नबीन तरफ से गवाही थी कि ये जो मुसलमान हुए हैं बड़ी रगबत के साथ और बड़े दिल के इखलास के साथ मुसलमान हुए हैं तो चूँकि हज़रत अमन आस रजील तु एक बड़े बाहुनर और बड़ी खूबियों के मालिक शख्सियत थे लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बसा अवकात जब कहीं फ़ौज भेजे तो उसका कमांडर बना कर के भेजा करते थे एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इलाका जो सऊदिया का माना जाता है वादी उला यानी जिसके बाद वो शाम की तरफ जो रास्ता जाता है और जहाँ पर बड़ी ठंडक होती है वहाँ पर कोई फ़ौज भेजनी हुई तो आप सर सल आम सदील तालों से फ़रमाया कि जाओ अपना लिबास पहनो अपना सामान लो और मेरे पास आओ चुनानचे हज़रत आम रजील्ल्लु तु घर गए अपनी तैयारी किया और आप के पास आए तो उस वक्त आप वजू कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ़ देखा अपनी आँख नज़र ऊपर नीचे की और कहा कि अरे अम्र मैं तुम्हें एक मुहिम में भेजना चाहता हूँ उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें सही सालिम और माल गनीमत से वापस ले आएगा यानी तुम्हें कामयाबी भी होगी और माल गनीमत भी मिलेगा तुम्हें और तुम सही सालम वापस भी आओगे और मैं चाहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें कुछ माल मिल जाए हरत आमिर रही अल्ला ने फरमाया कि रसूल सल्लाम मैं माल के लिए मुसलमान नहीं हुआ मैं तो मुसलमान इसलिए हुआ हूँ कि अल्लाह त रास्ते में जिहाद करूँ और आपकी सहबत में रहूँ काफ़ी दिनों तक हमने आपकी मुखालफत की है और आपके ख़िलाफ़ रहे हैं हम ये चाहते हैं कि बाकी हमारे जो दिन हैं मैं आपके साथ रह करके जिहाद में रहूँ और आपकी सहबत इख्तियार करूँ उस मौके पर नबी करीम वसल्लम ने फ़रमाया था या अमर नामा अलमाजाल एमर नेक मोमिन के लिए नेक बंदे के लिए अगर अच्छा माल मिलता है तो बड़ी अच्छी चीज़ है इसलिए उसे वो अच्छे काम में इस्तेमाल करेगा चुनान कि आप वसल्लम ने 300 सौ महाजरीन और अनसार की क़ियात उनको सौंपी और वो इलाका जिसे आज वादी ओला कहा जाता है ओला का इलाका उस तरफ कबीले लखनऊ जजाम के कुछ लोगों से कुछ सुलह के लिए कुछ मुकाबले के लिए आसरो तो ने भेजा सीरत की किताबों में इसे शरीय दातुलसलासिल के नाम से जाना जाता है ये मौसम सर्दी का था और जिस इलाके में जा रहे थे वो सर्द भी बहुत था उस मौके का अपना एक वाकया हज़रत आमआस रदी अल्लाह तु बयान फरमाते हैं और वही वाकया मुझे आपके सामने रखना है वो बयान फरमाते हैं कि इस मौके पर एक रात मुझे जनाबत लाइक हुई जनाबत आप जानते हैं यानी इंसान को ख्वाब की हालत में वो ज़रूरत पेश आए कि जिसके ऊपर वसर वाजिब होती है यानी वसर करना होता है तो हज़रत हज़रतम आसरदी अल्लाह हो बयान करते हैं कि एक रात मुझे जनाबत लाइक हुई अहतमाम हुआ रात बहुत ठंडी थी ऐसी ठंडी रात थी कि हमने आज तक इतनी ठंडी रात देखी नहीं थी अब मुझे ख़तरा था कि अगर मैं गुसल करता हूँ तो मैं हलाक हो जाऊँगा यानी मेरी मौत वाकई हो जाएगी लिहाजा मैंने अपनी शर्मगाह और उसके इर्द गिर्द के हिस्से को धो लिया फिर गुसल की जगह हमने तयम किया और वजू करके लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ा दी इसलिए कि चूंकि वही अमीर थे वही कायद थे लिहाजा नमाज़ भी वही पढ़ाया करते थे तो चूँकि वो अमीर थे इसलिए उन्होंने नमाज़ पढ़ा दी बाकी जो लोग थे उनके सामने ये बात आई उस वक्त वो लोग खामोश हो गए लेकिन जब मदीना मुनव्वरा वापस हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मेरे बारे में पूछा कि आखिर हम रुको कैसे पाया तुम लोगों ने लोगों ने मेरी हर अतबार से तारीफ़ की इस बारे में लोगों ने नबी वसल्लम से शिकायत की कि एक काम हमने अजीब किया है कहा वो क्या कहा कि ऐसा है कि हालत जनाबत में हमें उन्होंने नमाज पढ़ा दी और फजर की नमाज पढ़ा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अमर तुमने ऐसा किया हालत जनाबत में तुमने अपने साथियों को नमाज पढ़ा दी मैंने कहा अय अल्लाह के रसूल असल बात यह है कि मुझे एहतलाम हो गया था रात बहुत ठंडी थी मुझे खतरा हुआ कि अगर मैंने नहाया मैं हलाक हो जाऊंगा मेरी मौत वाकई हो जाएगी और उस वक्त मुझे अल्लाह तबारक वाला का एक फरमान याद आया तखल रही लोगो तुम अपने आप को कतल ना करो अपने आप को हलाक ना करो याद रखो अल्लाह तबारक तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है बड़ा रहम करने वाला है तो जब अल्लाह तबारक वाले हमें क्या फरमा रहा है तो अपने आप को कतल ना करो अब मैं अगर नहाता तो ये मेरी मौत का सबब बन सकता था लिहाजा मैंने सिर्फ़ तयम पर इक्तफा किया नमाज़ पढ़ा दी ये सुन करके नबी करीम अलैहि वसल्लम हंसने लगे और आपने कुछ ना कहा साथियों ये एक किस्सा है असल चीज़ यह है कि हमें देखना है कि हमें इस किस्से से क्या फ़ायदा मिलता है देखिए सबसे अहम चीज यह है कि इब्न आस रजी अल्लाह तलाो की फजीलत कि नबी करीम वसल्लम ने उन्हें उस फौज की कमांडरी सौंपी जिस फौज के अंदर हरत अबू बकरो उमर ताला अन्हों भी शरीक थे हालांकि हत अबू बकरो उमर उनसे लाख गुना बेहतर थे क्योंकि हरत आमर रजी अल्लाह तलाो के अंदर उमूर के इंतजाम और मामला को संभालने की बड़ी सलाहियत मौजूद थी इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह क्यादत सौंपी बल्कि कहा जाता है कि इसी जंग में इसी मौके पर क्योंकि सर्दी का मौसम था और वहाँ पर कहीं होटल में तो ठहरना नहीं बाहरी मैदान में ठहरना रहा होगा हम में से जो भाई शहर से बाहर रहते हैं मजरू वगैरह में खेतों में उन्हें अंदाज़ा होगा कि सर्दी कैसी होती है और यहाँ से कहीं ज़्यादा सर्दी ओला के इलाके में हुआ करती उधर तो बर्फ़ पड़ती है तो लोग ये चाहे कि रात को यहां रात गुजारने के लिए आग जला लें लेकिन हजरत इब्न आस चूंकि के कमांडर थे उन्होंने माफ किया कि नहीं न जलाओ हजरत उमर रजीलो उनसे बात करने लगे हजरत अमर ने कहा कि नहीं इजाजत नहीं है मेरी तरफ से तो हजरत अमर बकर के पास गए और बकर से कहा कि उमर अमर जो है बड़ा ही दूरअंदेश है बड़ा बारीक भी है जो कुछ वो कर रहा उसकी बात मान लो तो गोया कि हरते अमर रजील् तला के अंदर ये खूबी थी मैं अब वो बातें नहीं दिख करना कहना चाहता उनकी खूबियों कहाँ कहाँ इधार हुआ लेकिन इस फौज का कमांडर बनाया जाना ये इस बात की दलील है कि हत्या अमर इम्नआस के अंदर बड़ी खूबियाँ थी और नेक दिल बुजुर्ग थी इससे उन लोगों के मुँह के ऊपर तमाचा है जो आज बाद तारीखी रवायात को बुनियाद बना कर के हजरत आम्रबन आश रजी की नीयत के ऊपर शुभा करते हैं नवजबिल्लिक दूसरा फ़ायदा और इस पर गौर करें कि हमारे यहाँ कैसी ख़राबी पाई जा रही है उस वक्त के मुसलमानों की खूबी देखिए छोटी छोटी बातें बल्कि बसा औकात बाद बड़ी बातों पर भी लड़ नहीं होते थे बल्कि असल मामला निपटाने के लिए जो बड़ा जिम्मेदार है उसके हवाले करता उसके फैसले का इंधार करती हालांकि ये मामूली बात नहीं थी कि हजरत अम इब्न आस वो लोग समझ रहे थे कि इनका नमाज पढ़ाना जायज़ नहीं है इसलिए कभी तयम का मामला बिल्कुल आम नहीं हुआ था लोग समझते थे कि तयम जो है सिर्फ वजू के लिए है तो हजरत आम रिमन आस रजी अल्लाह उनकी नज़र में गोया हालत जनाबत में नमाज़ पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग इख्तिलाफ नहीं कर रहे हैं उनके पीछे नमाज पढ़ ले रहे हैं हमारे यहां कितने ऐसे लोग पाए जाएंगे जो अगर मस्जिद का अगर जिम्मेदार है उससे मामूली किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया तो उसके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे मिसाल के तौर पर किसी इमाम साहब को यह देख लिया कि वो किसी ऐसी जगह पर खड़ा था जो मशकूक जगह और किसी लड़की से बात कर रहा था में नहीं जाएंगे क्या सूरत हाल है बस सीधे अब ये नमाज पढ़ाने लायक नहीं हमारी नमाज उसके पीछे नहीं होती है हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे नहीं ये अवला दीन की कमी इखलास की कमी की दलील है और नफ्सियात के दखल का मामला है ये साहब क़राम को देखिए कितनी बड़ी बात है ये लेकिन फिर भी नमाज पढ़ना हालांकि आम अकेले थे और वो तीन सौ आदमी थे उसमें हजरत बकर अमर थे एक इशारे पर अमर को उठा कर पीछे कर देते लेकिन नहीं मामला रहे वापस नबी पास तो आप जो फैसला करेंगे उसे, उसे कबूल कर लिया जाएगा इसीलिए आने के बाद लोगों ने शिकायत आश्रम से की तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त के मुसलमानों की खूबी यह देखिए और हमें जरूरत यह है कि हम उनकी इतवा करें किसी ने बहुत खूब कहा है कि आज दुनिया के लोगों की तरक्की है कि वो आगे बढ़ते 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 चाह तक पहुंच जाए लेकिन मुसलमानों की तरक्की इस बात में है कि पीछे हटते 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 साहब एक राम की सफ में जाकर के खड़े हो जाए ये मुसलमानों की तरक्की का राज है ये असल चीज है तो कहने का मतलब यह है कि यह चीज भी हमें तोज्जो देनी चाहिए हमारे यहां जो बड़ी खराबी है हमें उसकी इसलाह करनी चाहिए तीसरा फायदा जिस शख्स को गुस्ल की हाजत हो यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो और उसे पानी के इस्तेमाल पर कुरत ना हो मैं यह कह रहा हूं पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो यानी हो सकता है पानी मौजूद है लेकिन पानी उसके बस में नहीं हो सकता है पानी मौजूद है लेकिन पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है हो सकता है उसके पास पानी मौजूद ही ना हो इसलिए कि कुदरत ना होने का तीनों माना हो सकता है एक तो है कि वहां पर मौजूद ही नहीं लेता उसको मिल नहीं रहा है दूसरी यह है कि मौजूद तो है लेकिन वो उसको ले नहीं सकता है मिसाल के तौर पर कोई शख्स है और कुएं के अंदर पानी है उसके पास रस्सी और बाल्टी नहीं है या पानी अपना नहीं किसी और का पानी है या पानी तो मौजूद है लेकिन अगर पानी को इस्तेमाल करता है तो उसे उसका फायदे के बजाय नुकसान हो जा रहा है तो जो शख्स जिसे गुस्ल की हाजत है और पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो तो उसके लिए गुस्ल की जगह तयम्मुम कर लेना काफी है जैसा किस रजी अल्लाह तुने किया हत्या ने क्या किया कि जो गंदगी थी अपने शर्मगाह के इर्द गिर्द साफ किया यानी इस्तिंजा किया उसके बाद तयम किया और फिर वजू किया अपना यहां से यह भी फायदा समझ ले कि अगर इंसान जनाबत का गसल करता है तो वही वजू जो उसने गसल के साथ किया है वही काफी है अलग से वजू करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर तयम करता है जनाबत के लिए और वजू कर सकता है पानी है तो उसका यह गुसल ये तयम जो होगा अगर यह गुसले जनाबत के लिए है लेकिन वजू के लिए काफी नहीं होगा उसको दोबारा वजू करना होगा अलग से जैसे हम न्यास ने क्या कहा हमने अपने शर्मगा और उसके इर्द गिर्द धोया फिर गुसल के लिए तयम किया और फिर वजू करके हमने नमाज पढ़ा दी तो कहने का मतलब यह है जिस शख्स को गुसल की हाजत हो और उसे पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो तो उसके लिए तयम काफ़ी है जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरे मायदा की आयत नंबर छः के अंदर इर्शाद फरमाता है वह इनकुन तुम जोनबर फख्ता हरू अगर तुम लोग जुनबी हो यानी तुम्हें नहाने की जरूरत है तो तुम तहारत और पाकि हासिल करो नहाओ लेकिन अगर तुम बीमार हो या तुम सफर में हो जहां पानी नहीं मिल रहा है इंसान कदाए हाजत से वापस आया है या अपनी बीवियों से मिले हो और तुम्हें पानी ना मिले तो फतेम ममो सईदम तोय तो तुम पाक मिट्टी से वजू करो इस तरीके से कुम व आईदी कुमिन उससे अपने चेहरे और हाथ को मल लो तो तयम का तरीका यह है कि इंसान खुशन की नीयत से क्या करे अपने दोनों हाथों को मिट्टी पर ऐसे रखे ऐसे फिर मिट्टी लेकर के हाथ देखे अगर उसके ऊपर ज्यादा मिट्टी लगी है तो उसको फूंक करके उसको दूर कर दे फिर उसके बाद वो अपने चेहरे के ऊपर फेरे चेहरे के ऊपर फिर उसके बाद ये तो ये उसका जो है अब हुसूर हो गया गोया की बल्कि आप वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है अशरी अगर दस साल तक भी किसी मुसलमान को पानी नहीं मिलता है तो पाक मिट्टी उसके लिए वजू का काम देगी उसके लिए वजू का काम देगी पाक मिट्टी अगर दस साल तक भी किसी को पानी ना मिले तो तो गोया किसी इंसान के पास यह उद्र नहीं हो सकता कि मैं ताहिर नहीं हूं मैं अनुमार नहीं पढ़ सकता चौथा फायदा यह तयम वजू के लिए भी हो सकता है और गसल के लिए भी हो सकता है अकेले अकेले दोनों के लिए हो सकता है और सिर्फ गसल अकेले सिर्फ वधु के लिए भी हो सकता है पांचवा फायदा तयम मुकम्मल तहारत है यानी जिस तरीके से अगर इंसान को वजू की ज़रूरत है तो वजू कर लेता है और सारा काम उसके लिए जायज़ होता है नमाज पढ़ना उसके लिए जायज़ है तवाफ़ करना उसके लिए जायज़ है कुरान पढ़ना उसके लिए जायज़ है इसी तरीके से इंसान को गसल की हाजत है तो वो गसल कर लेता है तो उसके लिए सारे काम हलाल हो गए जो इस हालत में हराम थे इसी तरीके से अगर गुस्ल की जगह तयम कर लेता है तो सारे काम उसके लिए हलाल हो जाएंगे यानी उसी तम से वो नमाज भी पढ़ सकता है मस्जिद हराम में भी जा सकता है तवाफ भी कर सकता है क़ुरान मजिद तलावत भी कर सकता है मस्जिद में बैठ सकता है कोई काम उसके लिए मान्यत नहीं होगी वो मुकम्मल ताहिर माना जाएगा जब तक उसे पानी नहीं मिलता है पानी पर कुरत नहीं होती है उसको इसी तरीके से तयम करने वाला लोगों की इमामत भी कर सकता है हमारे यहाँ गलत मशहूर है ये कि जो तयम करे वो इमामत ना करे इसलिए उसकी तहारत नाकिस है गलत है नाकिस तहारत नहीं है कामिल तहारत है उसकी हजरत हरत अबरबन आस ने लोगों की इमामत की और आप ने ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा है ठीक है तुम्हें ता... अगर नहीं था तो पीछे नमाज़ पढ़ते किसी और को आगे बढ़ाते आपने यही कहा तो हत आम रबन आसरदी तुने तैम किया और लोगों की इमामत की तो मालूम यह हुआ कि तैयम करने वाला इमामत भी कर सकता है यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि इस सिलसिले में हमारे यहाँ लोग दो किस्म की गलती करते हैं और मैं इस पर खसूस तवज्जो दिलाऊँगा और हो सकता है कि ये हदीस जो हमने आपके सामने रखी उसका यही मकसद है पहले कौन से लोग हैं जिन्हें आजकल सर्दी का मौसम है ख़ास तौर पर वो लोग जो शहर से दूर रहते हैं या वो लोग कि उनके लिए नहाने का गर्म पानी मौजूद नहीं है या वो लोग जिनकी सेहत कुछ कमज़ोर है गर्म पानी नहीं रहा अगर गर्म पानी ही है अगर नहा लेते हैं तो ख़तरा है कि उनकी बीमारी बढ़ जाएगी बाल लोगों का मजाज एलर्जी का रहता है दमा की शिकायत रहती है अगर नहाए तो उनकी बीमारी मजीद बढ़ सकती है इसलिए कि उसके बाद बाहर निकलना होगा ये कोई भी सूरत हो सकती है पहले वो लोग हैं जिन्हें जनाबत लाहिक होती है लेकिन सर्दी या पानी की अदम कुदरत की वजह से लोग नहाते नहीं हैं कुछ लोग तो इसलिए नहीं नहाते हैं कह रहे अभी सर्दी है चलो फजर की नमाज छोड़ देते हैं जब उसके बाद दिन होगा और नाश नौ दस बजे होंगे तो घुस रख करके फजर की नमाज दोहर से पहले पढ़ लेंगे यह लोग सरासर गलती के ऊपर है बगैर शरा के नमाज को उसके वक्त से मुखर करना जायद नहीं है बल्कि बहुत से कुफ्र कहते हैं यानी अगर हमारा कोई भाई है रात में या किसी वक्त उसे गुस्ल की हाजत हुई चाहे जनाबत हो एहतराब की शक्ल में या और किसी शक्ल में हो और अगर वो सुस्ती की वजह से या सर्दी से बचने के लिए नहीं नहाता है और नमाज को उसके वक्त से मुखर कर देता है नमाज कदा हो जाती है उसकी तो वो बहुत बड़ा है कबीरा कर है कि उसका गुनाह जरा से भी बढ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ करके नमाज के छोड़ने को कुफ्र कहा है जो भाई हमारे ऐसे करते हैं वो सख्त गलती के ऊपर है इसी तरीके से जो लोग परेशानी के बावजूद उज्र के बावजूद वजू और गुस्ल ही करना चाहते हैं अपनी एक बहादुरी और अपना ज़रा तकवा जाहिर करते हैं बसा औकात वो लोग मुश्किलात में फंस जाते हैं और बड़ा नुक़सान उठाते हैं एक नुकसान हो सकता है कि उनकी बीमारी अगर तीन दिन में ठीक होनी है तो पांच दिन ले लेगी ले दस दिन ले लेगी ले या बसा औकात तो वो बीमारी उनके लिए खतरा बन सकती है बाद लोग ऐसे होते तो वह लोग भी सख्त गलती पर हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें फुर्सत दी है इजाजत दी है कि वो तयम कर सकते हैं लेकिन तयम ना करके वधु या गुसल कर रहे हैं जिससे उनकी बीमारी बढ़ जा रही है बल्कि अगर ऐसे लोगों को सख्त नुकसान हुआ तो खतरा है कि वो लोग गुनहगार होंगे अगरचे अल्लाह की इबादत के लिए साफ काम कर रहे हैं क्यों इसलिए कि अल्लाह इस चीज़ से मना कर रहा है अल्लाह के मना फरमा रहे हैं फिर तुम वो काम क्यों कर रहे हो अहमद में और बहुत से कुतुब हदीस में इब्न अब्बास रजी अल्लाह तुमा से एक वाक्य मरवी है कि हम लोग एक बार सफ़र में थे अब्दुल्ला के हदीस के कौल हैं सफर में थे तो हम में से एक शख्स के सर में चोट लगी और बड़ा गहरा जख्म आया वो शख्स मरहम पट्टी उसकी की गई और जब रात में सोया तो उसे एहतलाम हो गया तो अपने साथियों से कहता है कि क्या मेरे लिए रुख्सत है कि मैं तयम करूं जो अपने पास बाद करीब मौजूद थे उन लोगों ने कहा कि जब तुम पानी से नहाने पर कुदरत रखते हो तो हम नहीं समझते कि तुम्हारे लिए कोई बुरसत है लिहाजा उस शख्स ने नहाया तयम करने के बजाय और जब नहा लिया तो चूंकि जख्म गहरा था पानी अंदर गया और यही उसकी मौत का सबब बन गया आप सल्लल्लाहु सल्म के पास जब लोग आए और ये वाक बयान किया तो आप सल्लम नाराज हुए और बद बदवाए दी ऐसे लोगों पर आपने कहा हो कतल हो मुगला उन लोगों ने उसे कत्ल किया है अल्लाह उनको हलाक करे अगर मालूम नहीं था तो पूछ लेते इसलिए कि जो जाहिल हो और नहीं जानता है उसके लिए शिफा क्या है इसलिए वो पूछ लिया करे उसके लिए यही काफी था कि वो तयम करता और जहां पर जखन उस पट्टी बांध लेता और सारे जिस्म को धो लेता ये भी हो सकता था या तयम कर लेता तो आला हाल कहने का मतलब यह है कि ऐसे मौके पर हमारे दो किस्म के भाई गलती करते हैं एक तो तयम ना करके नमाद ही को छोड़ देते हैं जमात को छोड़ देते हैं और दूसरे लोग बहादुरी दिखाते हुए ज्यादा तकवा और ज्यादा परहेजगार बनते हुए ज्यादा नेक बनते हुए शिद्दत तकलीफ के बावजूद भी वजू और गुस्सा कर लेते हैं जो उनके लिए पैसा दर्द साबित होती है ये दोनों चीजें गलत हैं इसी तरीके से एक फायदा और सुनते चलें अगर हम किसी को, कोई गलत काम करते देख रहे हैं किसी से कोई गलती हो रही है तो जब तक हम उसका उज्र ना समझ ले, सुन लें उसके ऊपर हमें हुक्म नहीं लगाना चाहिए हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कितने लोगों के बारे में हुक्म लगा देते हैं और इस गलती में हम जैसे अच्छे अच्छे लोग हमारा आप जैसे लोग पड़ जाया करते हैं नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमिर कोई हुक्म नहीं लगाया जब तक कि उनका उधर क्या उधर था भाई तुम्हारे पास बल्कि रवायात में है कि आपने ताजुब का आम्र है तुमने हालत जनाबत में नमाज पढ़ा दी तुम्हें डर नहीं लगा हजरत आमर ने कहा अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैफियत थी मैं डर था कि मर जाऊंगा

और आखिरी बात साथियों हमारा दीन हमारा इस्लाम ये दीन रहमत है इसकी रहमत बिल्कुल आम है हत आस रजी अल्लाह ने इसी से अतल करते हुए कि अल्लाह ताली क्या है रहीम है इसी से इसलाल करते हुए जब समझे कि हाँ मैं गसल करने से हमारा नुकसान होगा बल्कि मैं मर सकता हूँ तो उन्होंने कहा अल्लाह ताली रहम करता है बंदों पर किसी को हलाक नहीं करता लिहाजा बिला किसी शर् सबब के अपने आप को हलाकत में डालना ये इस्लाम की रहमत के ख़िलाफ़ है इस्लाम रहमत का मजहब है अल्लाह के रसूल सुसम रसूल रहमत हैं और अल्लाह तबारक वाली रहीम है लिहाजा हमें आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए अल्लाह तबारा तो से दुआ है कि अल्लाह तबारा तो हमें और आपको दीन की सही समझा फ़रमाए असलम आईकूम वरहमल वर्का ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें